उधर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दा वड्डा बयान जिस दे विचों कहिंदे ने कि केजरीवाल अपनी पत्नी नूं सीएम पंजाब बनाउणा चाहुंदे ने। तुहानूं दस दईए अरविंद केजरीवाल की पत्नी बीते रोज वेखे गए सी भगवंत मान दे अख च चोण प्रचार करदे हुए, बकायदा उन्हां दा परिवार पंजाब आया, जिस तों बाद इह बयान चरणजीत सिंह चन्नी होरां दे कहिंदे ने कि हुण अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी नूं पंजाब दा मुख्यमंत्री बनाउणा चाहुंदे ने। जिस तरह मजीठे की वाइफ सुखबीर की वाइफ चाहती है, इस तरह केजरीवाल की वाइफ की भी पंजाब ते अख है कि जे केजरीवाल दिल्ली है तो मैं इत्थे दी मुख्यमंत्री बन जा, लेकिन ये लुट नहीं सकते। जिस तरह मजीठे की वाइफ सुखबीर की वाइफ चाहती है, इस तरह केजरीवाल की वाइफ की भी पंजाब ते अख है कि जे केजरीवाल दिल्ली है तो मैं इत्थे दी मुख्यमंत्री बन जा, लेकिन ये लुट नहीं सकते। इस तो पहला अरविंद केजरीवाल से इल्जाम लगाए जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री पंजाब बनना चाहता है, इस करके सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया जा रहा। हुण सीएम चेहरे का ऐलान पार्टी वालों कर दिया गया है ते उन्हां दे हक दे विच चोण प्रचार करन दे लई जे अरविंद केजरीवाल का परिवार पंजाब आउंदा है तां इल्जाम ये लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी की निगाह है हुण पंजाब ते, कि केजरीवाल साहब तां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ते उह पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इस तो पहला उन्होंने बिक्रम मजीठिया की पत्नी का भी जिक्र किया कि जिस तरह बिक्रम मजीठिया की पत्नी मजीठे तो चोणा लड़ रही है, उस तरह हुण अरविंद केजरीवाल होरां दी पत्नी पंजाब दे विच सरगरम इसे करके नजर आ रही है। इल्जाम ने चरणजीत सिंह चन्नी होरां दे बीते रोज प्रचार करते नजर आए सी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी धूरी दे विच भगवंत मान के हक दे विच उन्होंने चोण प्रचार किया। सुखबीर की वाइफ चाहती है, इस तरह केजरीवाल की वाइफ की भी पंजाब ते अख है कि जे केजरीवाल दिल्ली है तो मैं इत्थे दी मुख्यमंत्री बन जा, लेकिन ये लुट नहीं सकते। जिस तरह मजीठे की वाइफ सुखबीर की वाइफ चाहती है, इस तरह केजरीवाल की वाइफ की भी पंजाब ते अख है कि जे केजरीवाल दिल्ली है तो मैं इत्थे दी मुख्यमंत्री बन जा, लेकिन ये लुट नहीं सकते। तो इसे तो साढ़े सहयोगी देवेंद्र शर्मा साढ़े नाल जुड़ चुके हैं। इस देवेंद्र ये बयान के की मायने समझे जाण, चोण प्रचार करन दे लई तमाम आगू पहुंच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का परिवार पहुंच गया, तो आखिर यह इल्जाम क्यों लगाए जाते हैं कि हुण उन्हां दी पत्नी दी पंजाब ते आ गई? बिल्कुल अमृता, जिस तरीके गल कर रहे हैं आप चोणों की, तो चोण बिल्कुल शिखर से ने, जी सियासी बयानबाजी है वह भी तिखियां होंगे नजर आ रही ने, और सारी राजनीतिक पार्टियों वालों जिम्मे सारे परिवार ने जो चोण प्रचार करने वास्ते ग्राउंड से आ गए। जे मैं गल करा बरनाला की, तो कल बरनाला विधानसभा मनीष बंसल की जी चोन प्रचार करने वास्ते आया, उतों प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने जरूर यह गल कही है भी जिस तरीके केजरीवाल की पत्नी और उन्होंने बेटी इतने प्रचार कर आई है, क्योंकि उन्होंने वैसे स्टेज तो भी यह गल कही थी भी पहला कितने नहीं बरनाले कि भी पंजाब नजर नहीं आए, पर हूँ जेडे हूँ चुनाव प्रचार के जरूर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो कितने ना कि स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उन्होंने नजर है जी पंजाब के मुख्यमंत्री सीट के उपर नजर आ रही है, मतलब इस तरीके की जी तिखी बयानबाजी है जी सियासी बयानबाजी करते नजर आए जी अमृता। पर देवेंद्र इस सिर्फ बयानबाजी के लिए की गई बयानबाजी समझी या फिर इस दे विच कुछ नजर भी आता है? देखो जे आप गल करिए लोग सभा हलका संगरूर है जी काफी हॉट सीट है, क्योंकि एक पासे धूरी हलके तो भगवंत सिंह मान है जेडे चुनाव लड़ रहे ने, वह मुख्यमंत्री चेहरा ने, और दूसरे पासे सीएम चन्नी खुद ने जेडे भदौड़ हलका तो जेडे बरनाला दे विच पैंदा है, लोग सभा हलका संगरूर दे विच पैंदा, तां काफी हॉट सीटा ने जिहड़ियां इहदे उत्ते इस तरीके की जी बयानबाजी हो रही है। पर कितने ना कितने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों जरूर स्पष्ट किया जा रहा भी इस तरीके की जी फेरी है, इस तरीके की जी चोन प्रचार है और इस तरीके की जी बयानबाजी है, वह कितने ना कितने पंजाब दे विच आने वाले समय दे विच जरूर कोई ना कोई सियासी जिहड़े मुद्दे ने वह खड़े कर सकती है जी। बिल्कुल देवेंद्र, वेखना होगा कि इसका कोई आधार भी नजर आता है या फिर सिर्फ सियासत पखाउण दे लई बयान दिते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी दी। तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का यह बयान जिस दे विचों कहिंदे ने कि हुण अरविंद केजरीवाल की पत्नी की अख पंजाब ते है, वह पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।